हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ SVM एडमिशन 2023 के बारे में कि आपको इसमें किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है SVM एडमिशन 2023 एप्लीकेशन सून डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहाँ पे दिया गया है श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म है। देन आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्म आया जिसमें आपको अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड फुल नेम, करंट डिस्ट्रिक्ट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाई स्कूल क्वालिफिकेशन एंड देन आपको गेट फ्री काउंसलिंग में क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आया कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है जल्दी रिलीज होंगे एंड ये 1954 में स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। एंड देन यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज वहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि यूजी, पीजी, डॉक्टरल, डिस्टेंस कोर्सेज इन इंजीनियरिंग, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। फिर हम आते हैं एप्लीकेशन, यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स का जो जल्दी रिलीज होंगे। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। सो अभी तक किसी भी चीज़ का डेट अनाउंस नहीं किया गया है, आप चाहें तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्या गुड न्यूज़ है, इंडिया के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में पारुल यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन स्टार्ट है फ्री फ्लो में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहेगा, जैसे कि आपको अपने ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, देन आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको जो अपना लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, करंट सिटी, करंट स्टेट एंड देन आपको वहाँ पे अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, सारा आपको इन्फॉर्मेशन देना रहेगा। देन वहाँ पे एप्लीकेशन, सॉरी वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया रहेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देना है, जैसे कि आपको 10th का डेट एंड 12th डिग्री का, ये सब का मार्कशीट चाहिए रहता है। एंड देन वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं। देन आपको फ़ीस देना रहता है, आप फीस जो किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई, एंड देन आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, यहाँ पे बीटेक का कोर्सेस, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग दिया गया, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बहुत सारे यहाँ पे दिया गया स्पेशलाइजेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, एंड देन यहाँ पे ड्यूरेशन 4 ईयर्स का दिया गया, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग अलग दिया गया। देन यहाँ पे रिजल्ट दिया गया, रिजल्ट एग्जाम में कुछ दिन बाद आते हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड रोल नंबर आपको टाइप करना रहेगा। उसके बाद आप जो है अपना रिजल्ट देख सकते हैं, अगर आपने अपना रिजल्ट देख लिया तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आया है कि एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ऑफर्स किए जाते हैं UG कोर्सेज, यहाँ पे UG प्रोग्राम्स इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, एंड देन यहाँ पे UG प्रोग्राम दिया गया 12th के लिए यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे दिया गया है द मोड ऑफ एप्लीकेशन इज टेकन ऑफलाइन, इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन होता है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई डायरेक्टली एट द कॉलेज, सबमिट द एडमिशन फीस, ये जो है आप डायरेक्टली जो है आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, आपको अपना फीस भी कॉलेज में जाके दिन सबमिट करना रहता है। देन इस तरह से इसके प्रोसेस होते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।